आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री ऑफ विलेज पर। आज हम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है जिला फाजिलका का गांव खुईखेड़ा, और मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने अक्सर एक बंदा है यहाँ पे जिसको मैंने देखा है बहुत टाइम से यहीं पे रहता है। वो उसका ना तो मुझे नाम पता ना मुझे ये पता कि वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्या उसको कोई दिमागी परेशानी है या कैसे भी है, बेचारा किस्मत का मारा है। और ये जो आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ये वीडियो इसके घर वालों तक पहुँच जाए या किसी अच्छी सोसाइटी तक पहुँच जाए कि इस बंदे को यहाँ पे यहाँ से लेके जाए और इसको अच्छी सुविधा जो है मिल जाए बेचारे को। क्योंकि देखो आप कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मैं कैमरामैन भाई को दिखाऊंगा, अभी इतना ज़्यादा ठंडा मौसम है कि इसमें अगर हम घर में बैठे हैं तो भी हमारा जो है सारे की सारी सर्दी से हमारा दिमाग जो है ख़राब हो सकता है और हमें पूरी रात ही टूटना पड़ता है। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो पूरी रात एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ है, ये है भाई साहब अपना, और इनसे बात करने का कोशिश करेंगे जो भी है। ये भाई साहब ये देखो ये इनके कपड़े हैं, दूर जाओ, मैं कैमरामैन भाई को बोलूँगा थोड़ा दूर से दिखाई, ये कपड़े हैं, इन्हीं कपड़ों पे ये बंदा सारी रात यहाँ पे, इतनी सर्दी की रात है और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 25 दिसंबर 2022 है। तो आप सोच लो भी इतनी कड़ाके की ठंड में ये बंदा रात दिन यहीं पर रहता है, यहीं पर खाता है और गाँव वाले जो है इसकी मदद भी करते हैं। ऐसा नहीं भी खाना नहीं देते, खाना भी देते हैं, चाय भी देते हैं, पड़ोसी है जो अच्छे हैं वो मदद करते हैं, लेकिन ये मदद इसके लिए काफ़ी नहीं है। ये आप सोचो, सोचने वाली बात है, अगर ये किसी का बेटा है, किसी का भाई है, ठीक है, तो ये आज अपनी ज़िंदगी जो इस तरह से निकाल रहा है, अगर इसको कोई परेशानी है, अगर कोई अच्छी सोसाइटी इसको ले जाए और अच्छे से इसका ट्रीटमेंट करे तो भाई को फ़ायदा मिल सकता है। तो मेरा वीडियो का बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि हम जो गांव वाले हैं, गांव वाले मेरे पास ही खड़े हुए हैं, ये तो अच्छे से इसकी मदद करते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी भाइयों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और सभी भाइयों तक ये वीडियो जो है पहुंच जाए। और बात भी करेंगे गांव वालों से जो यहाँ पे लोकल यहाँ के रहते हैं, उनसे बात करेंगे। और ये देखो छत पूरी तरह से, ये छत जो है टूटी हुई है यहाँ पर, ये किसी भी वक्त जो है छत गिर सकती है। तो आप सोचो भी यहाँ पर इतनी ठंड के अंदर और इस छत के नीचे ये बंदा जो है पूरी रात यहाँ से कम 2-3 महीने से यहीं पे बैठा हुआ है, गांव वालों का बताना। ये तो बात करेंगे, ये इस गांव के हैं और इनके सामने इनकी शॉप है। तो राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब इसको कितना टाइम हो गया, मतलब इस बंदे को? लगभग हो गया 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। और ये बताता है कि कहाँ का है ये? शायद अरनी वाला का बता रहा है। ये बोल रहे हैं कि ये शायद अरनी वाला का बता रहा है। इसका नाम पता आपको? नाम नहीं पता। चलो नाम मुझसे पूछने का ट्राई करेंगे भाई से। और ये मतलब इसी तरह रहता है यहाँ पे? यही रहता है बस। और इसका खाना खुना? खाना अड़ोस पड़ोस से खाया था वैसे। देखो ये देखो गांव वाले जो लोग हैं उनका दिल बहुत अच्छा है, इसको खाना भी देते हैं टाइम पे, चाय भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन यहाँ पे रहना इसके लिए जो है मौत का कारण बन सकता है। तो सभी भाई जो है इसको अच्छे से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी लोगों तक पहुँच जाए। और बाकी जो बातें हैं मैं आपको बाद में इस वीडियो के लास्ट में जो इसके व्यू है वो भी डालूंगा, कि इस भाई की एक पिक भी डाल दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, हो सकता है ये अपनी फैमिली से मिल जाए। तो भाई साहब एक बात और बताओ, ये मतलब पहली बार आया तो यहाँ पे आपने पहली बार यहीं पे देखा है? यहीं पे देखा था इसको। ये यहीं पे है और 6 महीने से ज्यादा का टाइम भाई साहब बता रहे हैं कि 6 महीने का ज्यादा का टाइम यहाँ पे हो गया। और अब देखो कड़ाके की ठंड है और ये भाई यहाँ पे लेटा हुआ है और ये देखो नीचे ही इसका बिस्तर है और ये टूटी फूटी रजाई है और ये इसके पहनने के कपड़े हैं। तो ये कितनी परेशानी में, इससे बात करते हैं। राम राम भाई साहब। भाई साहब नाम की है? कुलवंत। नाम क्या है? कुलवंत। कुलवंत नाम है इसका। ये भाई बता रहा है कि इसका नाम जो है कुलवंत है। तो कुलवंत सिंह है, आप अच्छे से देख लो, अगर किसी भाई को ये जो भी मतलब इसका परिवार का पता हो तो जल्दी से जो है गांव खुईखेड़ा में आके इसको मिल सकते हैं। ये पंजाब का जिला फाजिलका का गांव खुईखेड़ा है और ये बस स्टैंड के बिल्कुल बस स्टैंड के अंदर ये अपना टाइम पास जो है कर रात को सोता है तो पशु भी ठहर। हाँ, रात को यहीं पे सोता है और यहीं पे है ना जो पशु होते हैं, आवारा पशु है जो, वही यहाँ पे आके बैठते हैं इसके पास ही और ये उनमें ये रहता है। और ये इतना मतलब मुश्किल है और कहते हैं ना भी किसी की मजबूरी जो है वो तभी मतलब हमें समझ आती है जब हम ऐसे बंदों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कितने सुखी हैं। और ये पूरी रात जो है बेचारा यहीं पे इतनी ठंड में इसी हालात में लेटा रहता है। तो मैं
हाँ, और मैं दिखाऊंगा, ये देखो यहाँ पे गोबर भी पड़ा हुआ है और सफाई का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इतनी सारी पंजाब में सोसाइटियाँ हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन सोसाइटियों से कि यहाँ पे आके इस बंदे को जो है आप संभाल सकते हो। ये देखो जगह जगह गोबर पड़ा हुआ है, झाड़ू लगाते हैं। हाँ, ये देखो ये भाई साहब क्या बोल रहे हो भाई साहब, ये खुद ही सुबह सुबह झाड़ू लगाता है, अपनी चाय बनाता है। माइंडली अपसेट है वैसे, ये वो क्रेक्चर नहीं है माइंड से। ये बोल रहे हैं कि दिमागी तौर पर थोड़ा बहुत ये परेशान है, ये बाकी सफाई का अपना ख्याल रखता है। ये देखो अपनी खुद झाड़ू लगाता है और अपनी सफाई करके फिर बाद में यहाँ पे बैठ जाता है। तो ये भाई अगर इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट मिल जाए मेडिकली और कोई अच्छी सोसाइटी इसको संभालने वाली मिल जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है। और बाकी आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इसको इसका परिवार मिल जाए और ये भाई एक दिन पूरी तरह ठीक हो जाए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।